Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on PregP practice app. Download now. इसका अगर मैं मिरर इमेज बना तो उसको एनेंशियमर कहते हैं। इसका मिरर इमेज बना तो कैसा होगा? ये CH3 होगा, ये C2H5 होगा, SOH और SH। इस नीचे की तरफ। हाँ ना, these two are mirror images of each other। यहाँ मैं क्या बोल सकते हैं, these are enantiomers। तो मिरर इमेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में ही बन सकते हैं, है ना। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता तो उसकी जो मिरर इमेज होती वो सेम ही होती, है ना। इस बात का मतलब क्या है, मैं वो तुम्हें समझा देता हूँ। तो जैसे तुम इसको सपोज करो, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये OH है और ये H है, और इसकी मिरर इमेज बनाओ तो ये CH3, ये CH3, ये OH और ये H। तो यहाँ पर ये जो दोनों ग्रुप्स है ना, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, वो सेम है। इनको हम एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। देखो इस कार्बन को, दोनों पे CH3 लगे। तो बेसिकली तुम राइट वाले को क्या करो, ऐसे पलट दो, तो क्या तुम देख रहे हो लेफ्ट वाला बन जाएगा, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ, मतलब देखने से ऐसा लग रहा है मिरर इमेजेस हैं, पर ये एक्चुअली मिरर इमेजेस नहीं, दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि एनेंशियमर्स आर बेसिकली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सब कुछ उनका सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बस अंतर किसमें होता है, ओरिएंटेशन में। कहाँ है ये? यह है हमारे पास एनेंशियमर्स, और तुम देखो तो ईच एनेंशियमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो मिरर इमेजेस कहा ही नहीं जाएगा एक दूसरे के, और सब कुछ इनमें सेम होता है। देखो सारी प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, सब कुछ सेम है, प्रॉपर्टीज सेम, बस एक अंतर है कि एक प्लेन पोलराइज लाइट को लेटर से प्लस एक्स से घुमाएगा तो दूसरा माइनस एक्स से घुमाएगा, है ना। मतलब एक 30 डिग्री से घुमा रहा है तो दूसरा माइनस 30 से घुमाएगा, बस इतना अंतर होता है।